ऊपर इसमें उर्फी जावेद है तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा होगा। हाउ दे इनटू सेक्स ड्रग्स, बहुत ही बोल्ड मूवी है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स हैं, इट्स फॉर आइडल्स। बिग बॉस को लेके, रियलिटी शो को लेके जो अननेसेसरी बातें, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उससे अवॉइड रहने को कहा गया है। ये फिल्म नहीं चल पाएगी। मैं आज 10 साल के बाद भी ये फिल्म लोग ढूंढेंगे देखने के लिए। डिजिटल युग की जानी पहचानी कहानी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। जी हाँ, एकता कपूर की फिल्म LSD 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये कहानी आजकल के लोगों से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखती है और कहीं ना कहीं सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए ऑडियंस से जानते हैं कि ये फिल्म देखने के बाद उनके क्या विचार है और ये फिल्म उन्हें कैसी लगी। फाइनली LSD 2 रिलीज हो चुकी है, लव सेक्स एंड धोखा। कैसी लगी आपको ये फिल्म, क्या कहना है आपका? इससे पहले कि मैं आपको रिव्यू दूँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि एकता कपूर जी हमेशा कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आती हैं, विच इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग एंड वेरी क्रिएटिव। और आजकल के डिजिटल युग में किस तरह यंगस्टर्स फेक लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के होड़ में लगे हुए हैं, वो ये मूवी में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है और मुझे मूवी बहुत पसंद आई। हालाँकि मुझे लगता है कि और सुधार हो सकता था, बट इट इज़ डेफिनेटली वन टाइम वॉच। देखिए, ये जैसे एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाते हैं उसके हिसाब से ये फिल्म जिस तरह बनाई वो तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन इससे ऑडियंस नहीं मिलेगी इस फिल्म को। ये फिल्म नहीं चल पाएगी, क्यों? क्योंकि इसको समझ नहीं पाएगी ऑडियंस, ठीक है। इजी नहीं है इसको समझना जिस तरीके से उन्होंने बनाया। और इसके पहले वाली जो LSD इन्होंने बनाई थी उसमें 3 तरह की स्टोरी थी, लेकिन वो जा करके एक मॉल से जा करके रिलेट हो रही थी और आखिरी में एक कंक्लूज़न पे पहुंच रही थी। इसमें ऑडियंस उस तरह से कोई कंक्लूज़न पे नहीं निकाल पा रही है, और कैरेक्टर जो हैं जिनको लेकर के बढ़ रही है कहानी वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ऑडियंस के दिमाग में उसमें छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, ऑडियंस के दिमाग में उस कैरेक्टर्स को लेके नहीं आ पा रही है ऑडियंस, या उनसे रिलेटेड कोई इमोशन लेके बाहर नहीं आ रही है। और वो जो बाकी सब जो दिखाया बहुत अच्छा दिखाया है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी फिल्म में, जैसे कि LSD 1 2010 में आई थी और 2010 और आज 2024 चल रहा है, 15 साल के बाद भी आज वो फिल्म रिलेवेंट है। मतलब जो उन्होंने 2010 में जो लोग नहीं देख पाए थे वो आज वो ढूंढ के देख रहे हैं, सेम इसी के साथ होने वाला है। ये इतनी डिफरेंट फिल्म है और इतनी रिलेवेंट है आज के समय में। आज 10 साल के बाद भी ये फिल्म लोग ढूंढेंगे देखने के लिए। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत कमाल की फिल्म बनाई है। कह रहे फिल्म बहुत वल्गर है, ऐसा कुछ आपको लगा? नहीं है, ये आज की जनरेशन की कहानी है। आज जनरेशन जैसा बिहेव कर रही है, सोच रही है, जैसी बातें कर रही है, ये सब वैसी कहानी है। वही दिखाया गया है बिल्कुल। आपको एक्टिंग करती है आज की यंग जनरेशन जिसे कनेक्ट करती है, क्योंकि मुझे तो एक एक सीन देख के लगा कि एकदम ये तो घटित हो रहा है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है, ये एक फिल्म नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये हुआ है, हो रहा है आज की जनरेशन। सर, आप अपनी फैमिली के साथ फिल्म बैठ के देख सकते? बिल्कुल देख सकते, क्यों, बहुत अच्छी है, वैसा कुछ भी वल्गरिटी नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी। इसमें एक इन्होंने कहा कि जो गाना है कि तू गंदी ताल पे मत नाचो, ये डायरेक्टर ने बता दिया कि आप इस गंदी ताल पे मत नाचो, जो आजकल हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है बिग बॉस को लेके, रियलिटी शो को लेके, जो अननेसेसरी बातें, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उससे अवॉइड रहने को कहा गया है। इसमें मैसेज भी दिया गया है इस फिल्म में। एक्टिंग कैसी लगी? बहुत बढ़िया, सब ने कमाल काम किया है। मुझे नंबर 2 की स्टोरी ज़्यादा कनेक्ट की है, बहुत अच्छे सब ने कमाल किया। और इतने नए चेहरे, नए एक्टर हैं जो हम उनको आगे आने वाली फिल्मों में देखेंगे। बिल्कुल। कैसी लगी आपको LSD 2? LSD 1 से कितनी अलग थी ये बताइए। अगर मैं LSD 1 से बात करूँ तो LSD 1 जो रियलिटी उस पर बेस्ड थी, LSD 2 थोड़ी सी रियलिटी बेस्ड नहीं है, लेकिन ये आजकल की जनरेशन को दिखाते हैं। देखिए लाइक कैसे लोग अब लाइक्स के लिए गिर जाते, कैसे अपने फेम के लिए गिर जाते, कैसे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बाकी चीज़ों को इसमें बखूबी दिखाया गया है। ऊपर इसमें उर्फी जावेद है तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा होगा। फिर मौनी रॉय, उर्फी जावेद, तुषार कपूर, कैसा लगे आपको उनका कैमियो, कैसा लगा? अच्छा है, इट्स जिस तरह से लव सेक्स और धोखा पार्ट 1 भी हमने देखा था वो भी बहुत ही रियलिस्टिक लगा था। ये भी ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई मूवी देख रहे हैं आप, रियल लाइफ आपके सामने, बहुत ही मतलब कैमरा एंगल्स वगैरह इस तरह के, सिनेमेटोग्राफी ऐसी है कि आपको लगेगा कि फ़ोन से शूट की गई है। और वही दिखा गया है कि आज की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हाउ दे इनटू सेक्स ड्रग्स, बहुत ही बोल्ड मूवी है, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डायलॉग्स हैं, इट्स फॉर आइडल्स, तो वो दिखाया गया है बहुत अच्छे से। म्यूजिक कैसा था? म्यूज़िक भी अच्छा था, वेरी डिफरेंट, ट्रेंडी, एंड आजकल का ट्रेंड कितना डेंजरस हो गया वो भी दिखाया गया है।
देखिए, मैंने अपने दौर में हम लोग ने तीन तीन मास्टर्स किए थे, मैंने PhD किया हुआ है एजुकेशन में, तो आप सोच सकते हैं आजकल जो जेन जी है, दे डोंट वांट टू, यू नो, दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड, दे ड्रॉप आउट एंड दे डोंट वांट टू कंटिन्यू स्टडीज, दे वांट टू, यू नो, ओपन अ यूट्यूब चैनल, एवरीबडी वांट्स टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बट एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई उनकी मेंटल हेल्थ की ये हालत है. तो आई थिंक वो एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग और बहुत रिलेटेबल टॉपिक चूज़ किया है एकता कपूर ने, एंड पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू इट, के साथ साथ अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए. और ये एक शॉर्ट टर्म फ्रीलांसिंग का करियर हो सकता है, फुल फ्लेज्ड करियर नहीं हो सकता. उल्फी जावेद भी थी इसमें, मौनी रॉय थी, कैसी लगी आपको एक्टिंग? उल्फी जावेद बहुत अच्छी है. जी जी, मौनी रॉय भी बहुत अच्छी है. एक्टिंग सबकी अच्छी? हाँ, काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया. जो बात कही गई है वो बहुत भारी बात है, लेकिन क्या है ना कि ये ऑडियंस इसको नहीं मिलेगी. लास्टली आप कितने स्टार देंगे? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, मैं दिवाकर बनर्जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे लिए तो इसीलिए तो मैं पहले दिन देखने आया था. कितने स्टार देंगे? 5? नहीं, मैं स्टार नहीं दे सकता, मुझे बहुत अच्छी लगी है. थैंक यू. मौनी रॉय, उनका कैमियो है, तुषार कपूर, जो बड़े दिनों बाद फिर हमें देखने के लिए मिले, कैसा लगा आप? एक बार को तो मुझे लगा कि एकता कपूर ने सबको रीयूनियन कर दिया है अपने कैंपेन में. बट उनके कैमियोज काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने जो मैसेज दिया इस मूवी के बिहाफ में उन्होंने, वो काफ़ी अच्छा था. म्यूज़िक कैसा था? म्यूज़िक इस मूवी के हिसाब से फिट जाता है, जैसे जैसे सीन्स जाते हैं उस हिसाब से अगर म्यूज़िक की बात करें तो उस पर फिट होते हैं. आपको चाहेंगे कि आप कभी अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं? मे बी मैं नहीं देख सकता, जस्ट बिकॉज कि मैं नहीं चाहता कि उन्हें ये रियलिटी दिखे कि ऐसे ही चलती है दुनिया, क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी सी पिछले मम्मी पापा के साथ, तो ऑफकोर्स नहीं देख सकता. हाँ, मैं अगर अपनी बहन के साथ एक बार मैं ज़रूर देख सकता हूँ. लास्टली आप कितने स्टार देना चाहोगे? बिकॉज इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग आजकल की दौर की जनता के लिए है, तो आई विल स्टिल गो विद 3 stars. स्टार देंगे सर लास्टली? 10 में से 10 देना चाहिए. 5 में से 5 बिल्कुल कमाल है, ज़रूर देखो. ऐसी फिल्म को सपोर्ट कीजिए क्योंकि ऐसी फिल्में बननी चाहिए. और ये सिर्फ मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि सेंसर बोर्ड में होने के बाद में कई डायलॉग पे बीप किया गया है, वो नहीं होना चाहिए. खुल के बात करनी चाहिए. मैं 5 में से 3.5 स्टार दूंगा. वेल, LSD 2 पे लोगों ने मुहर लगा दिया है. जी हाँ, लोगों को LSD 2 काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है. मौनी रॉय हों, चाहे उर्फी जावेद या तुषार कपूर, तीनों ही लाजवाब लगे हैं. वेल, आप कब देखने जा रहे हैं LSD 2? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. ऐसे ही और रिव्यूज़ रिएक्शंस के लिए देखते रहिए बज़ूका.